कश्मीर में आतंकवादियों ने शनिवार यानी कि 16 अक्टूबर को दो आम नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। एक पर श्रीनगर में तो दूसरे पर पुलवामा में हमला किया गया। एक मृतक की पहचान 30 साल के अरविंद कुमार के रूप में हुई। अरविंद कुमार बिहार के रहने वाले थे। वे श्रीनगर में ठेला लगाकर अपना व्यवसाय चला रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के रहने वाले सागर अहमद पर पुलवामा में हमला हुआ था। वे कारपेंटर का काम करते थे। सागर के परिवार वालों ने आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की मांग की है। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए मृतक के भाई मोहम्मद नईम खान ने कहा, हमारे पास फोन आया कश्मीर से कि आप जो है ना इधर से 3-4 आदमी घर के मेंबर गाड़ी करके आ जाओ। बताइए हम कैसे जाएंगे, हम तो बहुत मजबूर आदमी हैं जी, हमारे पास तो कोई साधन नहीं है। बताइए आप भी, हम कोई रास्ता ऐसा बताइए आप हमें जो हमारा भाई की बॉडी यहाँ जाए। सागर अहमद की 4 बेटियां और एक बेटा है। परिवार ने बताया कि बेटा राजस्थान में कोई छोटा मोटा काम करता है। पत्नी का 6 महीने पहले देहांत हो गया था। सागर अहमद के भाई मोहम्मद नईम खान ने कहा कि उनके भाई के छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। उनके पास पैसे का कोई इंतजाम नहीं है। कोरोना में कारोबार बंद हो जाने की वजह से पिछले 1 साल से उनके भाई ही काम कर रहे थे। आरोपियों के बारे में पूछने पर नईम ने कहा, ये तो मालूम नहीं आज आतंकवादियों ने मारा, ये पुलिस की गोली मरे वो मिलिट्री की, जैसे वो छुट्टी करके घर पे गए बर्तन मांजते हुए उनके गोली लगी। मालूम नहीं वो किसके आतंकवादियों की वजह से गोली लगी या मिलिट्री की गोली लगी। नईम खान ने परिवार के लिए आर्थिक सहायता की मांग की। उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारी इन भतीजियों को गवर्नमेंट की तरफ से है ना कुछ मदद मिलनी चाहिए, कम से कम 1 करोड़ रुपए की हमें सरकार की तरफ से है ना मदद होनी चाहिए हमारी। उनके भाई ने बताया है कि वे पिछले 1.5 साल से काम के लिए आते जाते रहते थे। अभी आखिरी बार 2.5 महीने पहले आए थे। 3-4 दिन पहले उनसे बात हुई थी, एकदम ठीक थे, और अभी 1.5 घंटे पहले खबर आई कि उनका इंतकाल हो गया। वहीं स्किल इंडिया पर तंज कसते हुए स्थानीय पार्षद ने कहा है कि किस बात का स्किल इंडिया, एक व्यक्ति अपने घर का पालन पोषण करने के लिए 1000 किलोमीटर दूर जाता है और वहां उसे गोली मार दी जाती है। अगर वो व्यक्ति यहीं कोई ठीक ठाक रोजगार पा जाता तो उसका जीवन यापन हो जाता। क्षेत्र के कई दस्तकार और कारीगर हैदराबाद, कश्मीर, पंजाब जैसे दूर दराज इलाकों में जाते हैं। स्थानीय पार्षद ने परिवार के एक सदस्य के लिए एक सरकारी नौकरी की भी मांग की है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी सोमशेखर ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।